रजिस्टर कमिश्नर ऑफिस आए सौ कमिश्नर ऑफिस को गए थे, कमिश्नर को मिले, कमिश्नर को मिले और इसका जिक्र हो गया और उसका और देखता क्या करना होता है। तो उस चीज में पास बात कर क्या बोले तो इसका पीछे कहती हुई साजिश है क्या, और जो भी मुजरिम है उनको सजा मिलना चाहिए। और उन्होंने ये बताया कि देखो हमें कभी भी एक हादसा हुआ तो वो एक हादसा का जैसा देखते, उसमें जात पात वो सब नहीं देखते। इसमें हम ना जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मिलकर है, एक तो सीसीटीवी फुटेज जो मिला है और आई विटनेस जो मिला है, ये सारे चीज को देखते हुए क्या एक हादसा एक प्री प्लान्ड नहीं है, भले चेक साजिश नहीं है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम ना मिल को है। अगर उन्होंने क्या बोल रही बोले तो अगर साजिश रहते तो इनका पर्पसफुल रहते तो उन्होंने क्या करते होते ही भाग जाते, मगर उन्होंने करदार को पूरे घरा में सौंप होते। इनको ये भी मालूम नहीं है हम ना कहते हैं मर्डर हो को है करको, इन्हें करको है करको भी उनको मालूम नहीं है, लाटे में मार डाली करको बोल डाली। तो उसमें फिर भी हमें बोले देखो इसका तहकीकात करने का जिम्मेदारी, इनको सजा दिलाने का जिम्मेदारी आपका है करको बोल को बोल कर नहीं। एक वो दूसरा हमारा एडवोकेट को भी बोल कर नहीं कि इसका पीछे क्या है उनको फॉलो करने के लिए। दूसरा आइटम हमें बता को ही ऐसा एक अम्मी को एक ही ऐसा देखता था सो बच्चा छोटे रहे थे कि जिनका बाप का इंतकाल हुआ है, इन्हें घर पालता था सो बड़े के घर में है सो उसका वास्ते उन्होंने क्या बोले तुम्हें उसका उसका वास्ते वो विक्टिम्स का एक कॉम्पनसेशन बोल कर आता है, मैं संतोष को बोलता हूँ बोलकर उसका पूरा मैं इंतजाम करता हूँ उनको बोलकर मैं इनको शफी भाई को मैं बोलकर शफी भाई कोऑर्डिनेट करने के वास्ते बोलकर फार्म गेम सब है वो सब कर को और गवर्नमेंट को भी तुम्हें ये करना को बोलकर इंशाल्लाह वो भी करती है को बोलकर। ये तो क्या है बोले तो तुम्हारे फैमिली के साथ हमें ही इंशाल्लाह कभी भी क्या भी जरूरत पड़ी तो क्या भी इसका बोले तो ये तो हमारा जिम्मेदारी बोलकर तुमने क्या भी एहसास नहीं कर रही हमें, हमें जो है हमारा जिम्मेदारी है तुम्हारे फैमिली के साथ है। तो आप बच्चे को तो हमें वापस नहीं ला सकते, मगर जो इंसाफ मिलना उसके लिए इंशाल्लाह हमें काम करना है। इतना तो वो बोल रहा हूँ मैं उसका मैसेज मैं बोल रहा हूँ, एक तो हमें डायरेक्ट बच्चा नहीं आया नहीं माँ का काम नहीं पुकारा नहीं उसका भी बच्चा उसके मन नहीं पुकारना जाए सारे तुम्हारा जो दर्द है मैं कमिश्नर को ऐसा बता कर देखने नहीं हो रहा है उसके माँ का दर्द क्या वो बच्चा पालता था सब को बोलदार को उनको भी वो फीलिंग है बच्चा अच्छा अगर हमारा भी रिपोर्ट मिलकर है घर को बोल को यथाच क्या है उनको सजा मिलना वो हमें देखने सो उसमें दो चीज एक तो हमें उसके वास्ते डायरेक्ट में कमिश्नर के पास गया सो बात करने के वास्ते और इंस्पेक्टर में परसों बात कर पा रहा मालूम उसका थोड़ा फॉलोअप करने के लिए वो जो ये भी करको ही इंशाला। और क्या बोलो दूसरा एडवोकेट के साथ भी हमें बात कर करें फर्स्ट उन्होंने पर्सनली मिले नहीं फोन में उन्होंने मिलने के बाद वो भी करको उसमें कैसा फैमिली के तरफ से वो केस को तो गवर्नमेंट लॉयर रहता है एक एडिशनल एडवोकेट का जैसा कर एडिशनल एडवोकेट हमारे तरफ से भी रहे जैसा देखो उनको सजा मिलना ये काम इंशाल्लाह हमें करेंगे। तुम्हें बोले तो भी नहीं बोले तो भी ये हमारा जिम्मेदारी है हमें इंशाल्लाह कर दी जाएगा। तो बच्चे को इंसाफ मिलना हमारा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने क्या बोले तो बोले सो एक डाउट मेरा ख्याल को तो बहुत जल्दी कहती भी हॉस्पिटल को पहुंचा को रहते तो बचने का भी चांसेस था वो भी डिले हो गए बोलकर मालूम हो रहा है करके बोल को बोले डिले होकर है करके बोल रहा इंसिडेंट हुए सो 40 मिनट के बाद हॉस्पिटल से इंशाल्लाह दुआ कर देखो और एक माँ और एक एकदम दोस्त बात करो पार्टी बात करेंगे चल रही है बड़ा मार बड़ा बच्चा गई सब मरा
मशीन में उसकी मशीन में तीन रात होते थे हसबंदी मेरे बच्चे को कम मजा तर सुनाया कम मजा तर नहीं ये चिंगड़ी बस काम को पेट को बोलो कैसा लगा ला रे जमीन कैसा लगा ला कैसा दम छोड़ा रे हमने कैसा दम छोड़ा रे सदाकत दस घंटे जब लग बैठी थी बच्चा आता पकाना मजीद भी आपने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर आकर ऐलान किया था कि हम अभी सदाकती वाले से मिलने वाले हैं तो आप अभी मुलाकात किए आप यहाँ पर आकर क्या बातचीत हुई जरा बताइए इसमें तो क्या है कमिश्नर को जाकर इसका क्या केस का बोलकर एक तहकीकात कर कहीं और रिक्वेस्ट कर को नहीं इस वक्त उसका पिछा हो बराबर का इन्वेस्टिगेशन होना उसकी साजिश रहे तो उसमें ये होना बोलकर दूसरा आकर विक्टिम को जो कॉम्पनसेशन मिलना है जी वो कॉम्पनसेशन के बारे में कमिश्नर का बात करें कमिश्नर तब तक भी चीफ इंस्पेक्टर को फोन कर पूछ कर जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको विक्टिम कॉम्पनसेशन को करोगे को बोल करें वो भी मैं हम सुना करें दूसरा क्या है लीगली इसमें फॉलोअप करना इम्पॉर्टेंट कोई भी केस में लीगल फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है तो इसमें ये फैमिली के तरफ से एक एडवोकेट क्योंकि उसमें गवर्नमेंट लायर रहता है कभी भी और फैमिली के तरफ से एक एडवोकेट उसमें एंट्री रहा तो केस क्या चलता है क्या नहीं चलता लोग इनका भी ये कर सकते हैं ऑब्जर्व और वो भी हमें करने का बोल करें फैमिली के साथ और हमारे तरफ से महिला परसों आए स्टे में मैं वादा भी किया था हमारे तरफ से क्या होता है हमें माली इमदाद भी करती है घर को वो भी एक छोटा सा रकम हमारे तरफ से हम कर क्या कहते उनसे सबसे ज़्यादा पैसे से ज़्यादा क्योंकि वो बच्चे को तो हमें लौटा नहीं सकते आइंदा किसी के ऊपर किसी बच्चे के ऊपर किसी माँ के ऊपर ऐसा एक पर नहीं पड़ना वो हमारा मकसद है दूसरा जो भी गलत किया है या ये जो मर्डर किया है वो जो भी उनको सजा मिलना ये एज हमारा मकसद है सो और क्योंकि आपको मालूम है हमारा पार्टी का नारा ही हर मजलूम हमारा है ना जात देखते ना पात देखते जिधर भी जुल्म होता है वो जुल्म में हमें खड़ा हो जाते हैं हालांकि ये तो मैसूर है नरसिंह राजा क्षेत्र है मेरा तो जिम्मेदारी है यहाँ करना हम हालांकि हमारा जिस जगह झारखंड हो उत्तर प्रदेश हो या किधर भी ऐसा जो जालिमाने ताकत जो भी मुसलमानों के ऊपर जो हमला करता है उनको क्या भी मदद करना उनको लीगल हेल्प एक तो करते आए आप देखे हैं ये तो हमारा जिम्मेदारी है क्या उनका कुछ ये नहीं है हमारा जिम्मेदारी बोलकर हम ये काम निभाते कभी भी हम लोग ऐसा नहीं देखते कि ये सियासत बोलकर नहीं देखते या कुछ भी उन लोग रिक्वेस्ट करें बोलकर हमें नहीं आते कभी भी हमारा पार्टी जो भी है जिस जगह हमने जो मालूम होता है जुल्म हुआ है ऐसा परेशानी हुआ है उनके साथ हमें खड़े रहते हैं इतना हमारा मकसद है इंशाल्लाह बिल्कुल जी तो आने वाले दिनों में भी आप साथ में खड़े रहेंगे 100% वो फैमिली को मैं बोलकर हूँ जितने अभी सभी भाई हैं उनका फैमिली जितने भी रिश्तेदार आए उनको बोल कर रहा हूँ ये फैमिली वो जब जस्टिस सदाकत को जस्टिस मिलना उस पर क्या क्या मदद होना हमें रात दिन हमें हमारा पार्टी और हमारे तमाम साथियाँ इनके साथ इंशाल्लाह समय में आप क्या बोल रहे थे मजीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मजीद भी हमने दिलासा देते हैं उस हिसाब से काम भी करते दे रहे हैं इंशाल्लाह उनकी पार्टी की तरफ से हमारा खाला भी इमदाद भी करते हैं और सबसे पहले हमारा जो कानूनी कार्रवाई है इसके अंदर जो फार्मेलिटी सी वो हमारा सीधा लीगली मालूम भी नहीं है तो उसकी वजह से हमने अब्दुल मजीद साहब की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ता की तरफ से हमारा एक हेल्प मिल रही है उन लोग पूरे जने जुड़ को हमने एक मदद दिला रही दिलासा दिला रही हिम्मत दी अल्लाह फजल से हमने एक भरोसा आज यकीन है हमने हमारे भाई का जो कत्ल करा उससे सजा होती है बिल्कुल आज एक भरपूर हमने यकीन हुआ आज जो कमिश्नर साहब को जाकर मिल को है तो वहाँ के जो जो भी हकीकत थी घर वाले को सुने ऐसा सा हो को है एक हादिसे से हो को ऐसे हो क्या भी दूसरा इसके अंदर मोटिव नहीं है पर वो तरीके से हमने बोले हमने सुकून हुआ तसल्ली हुई और आगे की कार्रवाई भी हमने अब्दुल मजीद साहब के ऊपर उम्मीद है हमने इंसाफ दिला दी जस्टिस दिला दी मेरे को हमने भरोसा है